Namaskar, hello everyone. This is me, Pooja, and you are with MotherWorld, the world where is your all-access solution. आज हम बात करने वाले हैं 14th Feb. मुझे पता है कि फेब्रुअरी जा चुकी है, पर कहते हैं ना, अगर बीते लम्हे हमारे पास वापस आ जाए तो हमें उन्हें जीने का मौका मिलना चाहिए. कितना अच्छा लगता है जब हमारे जो चीज़ें जा चुकी है, क्योंकि हमारे जो सबसे खूबसूरत समय होते हैं आई थिंक पास्ट में ही होते हैं, क्योंकि हम सभी को अच्छा लगता है. यस, वी नो हमें हमेशा फ्यूचर में फोकस्ड होना चाहिए, अपने पास्ट को हमेशा से फॉरगेट कर देना चाहिए, पर कितना अच्छा लगे अगर टाइम मशीन के थ्रू हम उसमें चले जाए. तो MotherWorld यही काम कर रहा है. सो 14th Feb जो कि संडे का दिन था, और मैंने उसका एक वीडियो नहीं बनाया था, पर मुझे लगता है उसे ज़रूर, क्योंकि इसका एक रीज़न ये था कि यस, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, और आप जानते हैं कि वेजिटेरियन जो लोग होते हैं थोड़ा सा वो जब नॉनवेज की बात आ जाती थोड़ा सा दूर रहना प्रेफर करते, पर ऐसी बात नहीं है. को खाने जिस समय हमारे जब हमारी हिस्ट्री अगर आप देखें तो उसमें ऑफकोर्स हिस्ट्री हमारी कुछ होमो सेपियंस उससे बने हम, तो मैं भी थोड़ा सा डर गई थी कि मतलब इस चीज़ को क्यों बताना, और मैंने स्किप कर दिया था. पर यस, मैंने आज सर की बात सुनी और मुझे इससे याद आया कि जब हमारे भोले पापा मतलब वो जिस परिस्थिति में रहते हैं वो ठंडी, और जब वो हर चीज़ को वो कभी किसी चीज़ में भेदभाव नहीं करते, तो हमें क्यों करना चाहिए? हम तो उनके छोटे से बालक हैं, तो हमें हर चीज़ को फॉलो क्यों नहीं करना चाहिए? सो यस, 14th Feb जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे, जो कि नॉन वेज अगर आप थोड़ा बहुत खाते तो आप जानते हैं कि वेजिटेरियन के मुकाबले नॉन वेज में ऐसा माना जाता है कि आपको हाई प्रोटीन, हाई विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सारी चीज़ें ज़्यादा मिलती है. जितने भी न्यूट्रिशियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं. उसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि यस, जो चीज़ें आप बिकॉज हम लोग का एक लाइफ साइकिल चलता है, लाइफ साइकिल आप समझ रहे होंगे कि अपने आई थिंक एनवायरमेंट FC फाउंडेशन कोर्स, और आपके जो एनवायरमेंट का जो साइकिल, एनवायरमेंट मुझे याद है हम लोग का जो 9th-10th में होता था वो एनवायरमेंट करके ही होता था ना, हाँ, पर्यावरण. और फिर उसके बाद हम लोग का FC फाउंडेशन कोर्स जो कि हम लोग के ग्रेजुएशन के मतलब डिग्री के समय में होता था, और उसमें ये चीज़ ज़रूर सिखाई जाती थी कि आपको जितना हो सके आपका जो साइकिल चलता है, ऑफकोर्स अगर हम लोगों का बहुत अच्छा मिथ भी होता है कि अगर अंडे हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा, तो मुर्गियाँ ही नहीं बढ़ जाएंगी. मुर्गी पहले आई थी या अंडा, ये पूछने वाले को सबसे पहले पूछना चाहिए था. तुम आए थे एंड यस, मैं बिल्कुल उन चीज़ों को टच नहीं करना चाहूँगी, बट यस, ये बात सही है. जो लोग नॉन वेज खाते हैं, अगर आप प्योर वेज है तो इस चीज़ को बिल्कुल भी एक तरफ मत करें कि जो नॉन वेज खाते हैं वो बहुत ही ख़राब है, ऐसी बात नहीं है. इंसान के साथ आपका बॉन्ड बनना चाहिए, आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यस, हम जान लेते हैं 14th Feb जो कि इम्पॉर्टेंट रहा नॉन वेज की, इतनी हमने बात कर ली क्यों. तो यस, अगर बात की जाए, आई एम सो सॉरी, मैंने गलत पेपर ले लिया था. सो यस, 14th Feb अभी भी मैंने गलत ही लिया है. ओके, यस, नाउ आई एम इन करेक्ट. एंड संडे 14th Feb जिस दिन नेशनल टॉर्चलर शिप डे था, और यस, जो लोग भी नॉन वेज के शौकीन हैं और जो कि ऐसी जगहों पे रहते सी साइड्स वगैरह पे, उन सब के लिए तो ये डे काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा रहा होगा. और आप भी जम के खाइए नॉनवेज, और नॉनवेज खाने के साथ साथ यस, इतना ख्याल रखिए कि उतना ही खाइए जितना आपके हेल्थ को अच्छा हो, जितना आपका स्टमक डाइजेस्ट कर सके, सो दैट आपका लाइफ एकदम हेल्दी वेल्दी और फाइन रहे. और ज़्यादा मुझे इसे ब्रीफ में पता नहीं है, टॉर्चलर शिप की काफ़ी फ्लेवर्स में बनाया जाता है, और ये जितने भी फॉरेन कंट्रीज़ एज वेल एज जितने भी, बिकॉज मुंबई कहा जाता है एक सी के ही
अरेबियन सी के ही पास है, तो मछली और ये शिप्स वगैरह ये सारी चीज़ें ज़्यादा मिल जाती है, तो इन चीज़ों को इन हार्वेस्टर्स को सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा सके, इसीलिए ये सारे डेज मनाए जाते हैं. सो सेलिब्रेट दिस डेज विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एज वेल एज MotherWorld के साथ. एंड डोंट फर्गेट टू Yes, don't forget to watch this video. और if you like, मतलब अगर मैंने नॉन वेज के ऊपर इतना अच्छा, मैंने प्योर वेज होकर के मैंने नॉन वेज के ऊपर इतना अच्छा कह दिया है, सो अगर आपको कोई बात अच्छी लगी हो, सो डोंट फर्गेट टू लाइक. और अगर आपको लाइक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा नॉन वेज कम खाइए. वेज बहुत अच्छा होता है आपके स्टमक के लिए, आपके हेल्थ के लिए. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ, ख्याल रखिए अपना और अपनी.